शहर में एक पार्क था। दिन भर लोगों और बच्चों की चहल पहल बनी रहती थी वहाँ। एक दिन शाम को सबके जाने पर पार्क ने राहत की सांस ली थी कि अचानक तेज हवा के झोंके से चमेली का पेड़ हिलने लगा। पार्क, अरे भाई थोड़ा चैन तो लेने दो, क्यों मुझ पर बासी फूल पत्ते गिरा रहे हो? बच्चे गए तो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। चमेली का पेड़, पार्क भैया जरा उधर देखो, बेंच के पास बच्चों ने कितनी गंदगी फैलाई है। तुम केवल मुझे ही क्यों डांट रहे हो, बच्चों को क्यों नहीं डांटते? चमेली के पेड़ की बात सुनकर पार्क रुआंसा हो गया। यह तो उसकी रोज की पीड़ा थी। शुरू शुरू में जब छोटे बड़े बच्चे उसमें खेलने आते थे तो वह बड़ा खुश रहता था। अब वे उसमें गंदगी फैलाने लगे थे। उसी गंदगी के कारण पार्क में कई जानवर भी आ जाते थे। पार्क, पेड़ भाई तुम नाराज मत हो, मैं बच्चों द्वारा फैलाए कचरे से परेशान हो जाता हूँ, बस उनसे कुछ कह नहीं पाता। काश मैं उन्हें समझा पाता। पेड़, पर इस समस्या का उपाय तो सोचना ही होगा। दोनों ने मिलकर खूब सोचा। सोचते सोचते रात हो गई। पार्क और पेड़ दोनों ही थक गए थे, इसलिए सो गए। सुबह को पेड़, अरे इतने सारे बच्चे एक साथ, आज तो ये खूब गंदगी फैलाएंगे। डर के मारे पेड़ ने आंखें बंद कर ली। शोर बंद होने पर आंखें खोलकर देखा तो पेड़, अरे ये तो चमत्कार है, बच्चों ने ना तो उधम मचाया और ना ही कचरा फैलाया। पेड़ दादा, कल हमने आपकी बातें सुन ली थी, हम जान गए हैं कि गंदगी में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। अब हम कभी यहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं। चमेली का पेड़ प्रसन्न होकर, बच्चे तो समझदार हो गए, अब मैं कैसे अपने पत्ते और फूल गिरने से रोकूं? पार्क, मैं तो इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से ही परेशान होता हूँ, क्योंकि उसमें प्लास्टिक मिला होता है। तुम्हारे फूल पत्ते तो मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वे तो मेरी मिट्टी में मिलकर मुझे उपजाऊ बनाते हैं। पार्क की यह बात सुनकर पेड़ ठहाका मार कर हंस पड़ा और उसके इस तरह हंसने से फिर कुछ फूल झड़कर पार्क में गिर गए। अब पार्क को उन फूलों पत्तियों से झंझलाहट नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि भारत के बच्चे बदल रहे हैं। उन्हें स्वच्छता का महत्व मालूम हो गया है। अब वह सदा साफ सुथरा और सुंदर रहेगा, जैसा कि वह चाहता है।